अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्राउड ब्रदर चैनल। शुक्रिया आपने चैनल को देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम आए हैं एम्पोरियम मॉल में और अनप्लैंड एक्टिविटी थी। हमें नहीं मालूम था कि एम्पोरियम मॉल जो है ना एंड डे के लिए सजाया गया होगा। तो जैसे ही वह एंटर हुए हैं तो हमें ये सुरख हार्ट्स बने हुए और फूल और ये लाइटिंग और ये सब कुछ हमें नज़र आया। काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है। ये सेंटर एरिया है एम्पोरियम मॉल का। यहाँ पे इस तरह दिल लटकाए हुए हैं और लाइटिंग है। वैलेंटाइन की सेलिब्रेशन जो है ये कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि आपको मालूम है जो मुस्लिम हैं वो हम इस डे की सेलिब्रेशन के बारे में रिजर्वेशंस रखते हैं, लेकिन कुछ अजीब सा कल्चर बन चुका है पड़ोसी मुल्क में। ख्वातीन जो हैं वो हिजाब के लिए, पर्दे के लिए फाइट कर रही हैं और इस किस्म की जो चीज़ें हैं इनको डिस्करेज करना चाहिए। वैलेंटाइन डे की सेलिब्रेशंस हैं और ये थोड़ा सा वो कल्चर जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता और हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक नहीं है। अपनी नजरों को झुका के चलो, दरमियान में फासला रखो, वरना ये आजादाना मिलाप तहजीब को तबाह करके रख देता है। मगरब के सारे दानिश्वर आठ आठ आंसू रो रहे हैं कि इस गंदी तहजीब को कैसे साफ करें, अपनी माशरत खानदान को कैसे वापस लाएं। उनके हाथों से डोर निकल चुकी है। हमारे सामने, हमारी औरतों के सामने हजरत फातिमा है। जब हजरत फातिमा पुल सरहद से गुजरेंगी तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, नजरें झुकाओ, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुल सरहद पर है। हमें तो ये हया सिखाया गया है, हमें तो ये से हया सिखाया गया है कि हम किसी की बेटी की तरफ नजर नहीं उठाते। हमारी नजरों में पाकीजगी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी नजर पाक हो गई तो मेरे रब की कसम पत्ते पत्ते में तुम्हें अल्लाह दिखाई देगा। वैलेंटाइन डे के हवाले से जो सेलिब्रेशंस हैं, डेकोरेशन हैं, ये सब इस बेहयाई को प्रमोट करने के लिए ही है, तो जो कि एक नापसंदीदा चीज़ है हमारे माशरे में, इसको कंट्रोल करना चाहिए। हर घर के जो सरबराहान हैं वो अपनी बच्चियों को घरों में रखें ताकि वो इस बेहयाई का हिस्सा ना बने। और इवन कि ये जो एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि ये एक हलाल कपल के लिए है, हलाल रिलेशन है, पेरेंट्स मदर और बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप, ये उनकी सेलिब्रेशन है, यौमे मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत है, ये एक बिल्कुल गलत तासुर है। ये जो कल्चर दिखाया जाता है, मनाया जाता है, ये कतन उस हलाल रिलेशन की सेलिब्रेशन का नाम नहीं है। ये हमेशा एक नापाक रिश्ते की सेलिब्रेशन को ही प्रमोट करने के लिए है। इनकी थिंकिंग, इनकी सोच यही है कि वो एक नापाक रिलेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए। ज़ाहिर सी बात है जब इतनी ज़्यादा डेकोरेशन होगी तो ज़ाहिर है जो बच्चे हैं और लड़कियां हैं ये बाहर निकलेंगे, देखेंगे जी बहुत खूबसूरत माहौल है, रंग बिरंगे बैलून्स हैं और कलरफुल लाइटिंग है और दिल लगे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत की फ़ज़ा फैली हुई है, जनाब जी बहुत अच्छा मनाजिर हैं, तो ये चीज़ें वो देख के बाहर आएंगे। ज़ाहिर जब वो बाहर आएंगे तो फिर वही आपको ट्रेंड नज़र आएगा, उनकी ड्रेसिंग में भी, उनकी आँखों में भी हया का पहलू जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना नापसंद करती हूँ कि ये सेलिब्रेशंस की जाएँ, सेलिब्रेशन की जाएँ। तो ये तो मेरी इनफरादी सोच है, इनफरादी राय है, मेरी राय जो है आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं इस्लामिक वैल्यूज़, हम मेरी उनसे मुख्तलिफ राय नहीं है। वीडियो में आपको थोड़ा सा इमोशनल टच नज़र आएगा, लेकिन बहरहाल जो चीज़ पसंदीदा नहीं है तो उसको बयान करना भी ज़रूरी हो जाता है सम टाइम। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए।